बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, एक कॉल अभी हाल ही में मेरे पास आया था। वो गोरखपुर का स्टूडेंट है और नकल करते हुए पकड़ा गया। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं, वो BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, ठीक है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, DD यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, BA थर्ड ईयर का था, पॉलिटिकल साइंस का उसका पेपर था, कल परसों शायद हुआ है। मॉर्निंग में मुझे उसने कॉल की है लगभग 9 बजे के टाइम, कुछ मतलब उसने कुछ वर्ड ऐसा बोल दिया जो आपको भी लगेगा। सच में देखो, जब कोई स्टूडेंट नकल करते हुए पकड़ा जाता है, लास्ट के 10 मिनट थे, समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब पूरा उसने पेपर कर दिया, लास्ट के 10 मिनट में वो पकड़ा गया, उसकी एक चिट पकड़ी गई, सच में वो नकल कर रहा था, ठीक है ना। अब मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, बट उसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता, लेकिन पर्सनली मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, ठीक है ना, अपनी सिक्योरिटी के लिए। अब कैसे कह सकते हैं कि कैसे, कौन सी सिक्योरिटी, ऐसी कौन सी चाहिए सर, आपने एक रिकॉर्डिंग कर बैठी। देखो मैं किसी की, देखो मैं आपको बता दूँ, उसने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया, वर्ड उन्होंने सिंपल बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं फांसी लगा लूँगा, मेरा दिल ये कह रहा है, समझ रहे हैं। जब उसने ये वर्ड बोला तो मैंने उस समय रिकॉर्डिंग पर टच कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद वो बहुत रोने लगा, बहुत ज़्यादा रो रहा था। यार मुझे भी ख्याल आ रहा था, थोड़ा प्यार ज़रूर आता है आप सभी पर, ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ मैं, आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, और आपकी छोटी सी तकलीफ़ हमें बर्दाश्त नहीं होती, समझ रहे हैं। तो यार उसका जो दुख देखा ना मैंने, तो समझ यार, समझने की चीज़ें हैं, आपको भी समझना पड़ेगा। आप कभी भी यार फ्यूचर में नकल मत करना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, छोटी सी गलती बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है, कहते हैं राई का दाना पहाड़ बन जाता है, बता देते हैं, थोड़ी सी बात को पहाड़ बना देते हैं हम लोग, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो छोटा सा 10 मिनट जो था, यदि वो 10 मिनट नकल नहीं करता, वो अपनी चिड़ जो भी थी वो फेंक देता, तो शायद उसका 1 साल बच जाता, बिल्कुल कह सकता हूँ 1 वर्ष बच जाता उसका, ठीक है ना। अब मैं आपसे सिंपल तरीके से रिकॉर्डिंग सुना दूँ, बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझसे कह रहा था सर किसी टाइप से मुझे हेल्प कर दो, DD यूनिवर्सिटी गोरखपुर का स्टूडेंट था, DD यूनिवर्सिटी गोरखपुर का स्टूडेंट था, ठीक है। अब मैं आपको, देखो मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, आपको विश्वास, क्योंकि आपको विश्वास दिलाना ना सबसे बड़ी ज़रूरी है। आप कहते हो नहीं मेरे स्कूल में नकल नहीं चलती, बेटा नकल सब जगह थोड़ा थोड़ा लोग लेके जाते हैं, जबरन चिट लेके कहीं इधर कच्चे पत्थर कहाँ कहाँ, मतलब कह सकते हैं ना नीचे रखे लेके जाते हैं, मतलब ये मोजों के अंदर, पता नहीं कैसे कैसे तरीके से भगवान जाने क्या करते हैं वो लोग, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, कुछ लोग यहाँ कॉलर में रख के ले जाते हैं, कुछ यहाँ ऊपर नीचे, पता नहीं कैसे कैसे। मैं अब यहाँ दिखा दूं, अब वो नकल ले गया या फिर टॉयलेट में रखी हुई थी, टॉयलेट जाता था आता था जो भी है, तो उसमें जो भी किया उसने मुझे बतानी है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए इसको कर लेते हैं ब्लूटूथ को ऑफ, क्योंकि ब्लूटूथ मेरा चल रहा है, शांति से सुनना है आप सभी को। मेहनत बहुत की है, मेहनत तो किए थे, तुम एक बार यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहाँ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बहुत अच्छी इच्छा था सर, लिखा तो था, मैं ही बोल रहा हूँ आप यूनिवर्सिटी जाइए और टीचर से किसी से बात करिए, ठीक है, वो तुम्हारा करा देंगे सही, को संशोधन हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है, मतलब रिजल्ट आ जाएगा फिर तुम्हारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी चले जाइए, ठीक है। एक काम करो, अपना एडमिट कार्ड मुझे भेज दो, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान था ये बच्चा, अब आपको रिकॉर्डिंग मैंने सुना दी। यार आप कभी भी फ्यूचर में नकल मत करो, मैं आपसे बोलता हूँ, नकल करना गलत है, ये आप भी जानते हो, फिर भी हम लोग नकल करते हैं। आपको ये भी पता है कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए सस्पेंड हो सकता हूँ, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब देखो, अब बहुत ज़्यादा मैंने, अब क्या हुआ, मैंने DD यूनिवर्सिटी के एक है टीचर, एक कॉलेज के टीचर है, उससे रिलेटेड कह सकते हैं, ये कौन सा है कॉलेज, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ठीक है, समझ रहे ना, तो वहाँ आसपास कोई कॉलेज है वहाँ का है, तो एक टीचर है, उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा, मैंने कि ऐसी ऐसी बात है यार, कुछ हो सके तो आपका यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत बात हो तो देख लेना।
एक्चुअली वहां जाकर, यदि ये बात सच है तो यार गलत उसने किया है तो कॉपी अपने मत निकलवाना जो भी है, लेकिन वो उसने उस कॉपी के नकल के आधार पर कुछ नहीं किया है तो आप उसको सही कराओ, ठीक है। बाकी जो भी है मैं आपको कर दूंगा। यार देखो एक्चुअली कोई जाता है पैसे भी लगते हैं उसके, कोई यूनिवर्सिटी जाएगा तो पैसे लगेंगे ना, तो मैं तो यहाँ से वहां तक जाऊंगा, तुम खुद समझ सकते हो कि मैं यहाँ से जाऊंगा एक दिन बर्बाद होगा, फिर आऊंगा यूनिवर्सिटी में बात करूंगा जैसे भी होगी, तो टाइमिंग लगता है, टाइम भी खर्च होगा और पैसे भी खर्च होते हैं। अब वो पास में है तो वो वहां से गोरखपुर पहुंच जाएगा, 100-150 किलोमीटर गोरखपुर होता है वहां से, 100-150 मतलब 2 घंटे की रास्ता मान लीजिए, 2 घंटे में चले जाएंगे, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, 4 घंटे और 1 घंटे बात कर लेंगे, 5 घंटे में निबट जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा तो लगभग 12 घंटे जाने में, 12 घंटे आने में लगेंगे, 11 से 12 घंटे ट्रेन से जाऊंगा, बरेली से जाऊंगा वहां यूनिवर्सिटी। तो इसलिए मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से अच्छे से काम करो मेरा भाई, नकल मत करो, ये रोने वाला बात करो। और पता है वो क्या कह रहा है मुझसे, कह रहा है फांसी खा लूंगा मैं यार, समझ रहे ना, मुझे ये मेरा दिल कर रहा है छोटी सी बात पे तो मैंने कहा उनसे कोई नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, यदि सत्य रहेगा तो मैं उसको जितना हो सकता है मेरे द्वारा हेल्प होती है मैं कर दूंगा, उसको क्लियर कराने की बात है तो मैं उसको कह रहा हूं कि ठीक है तू ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें मैं ठीक करा दूंगा। ओके, मैंने उसे ये दिलासा दिया है और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिजल्ट को उसको ठीक कराने की कोशिश करूंगा, यदि उसकी गलती नहीं है तो वो ठीक हो, यदि गलती है तो यार ठीक मैं भी नहीं करा सकता, खुद भी जानते हो गलती जब आपने की है तो सजा भी आप लोगे, लेकिन सजा आप इस तरीके से मत दो अपने आप को कि वो फ्यूचर में आपके जो आपका जो मतलब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आपके पिताजी ने जो फ्यूचर देखा है आपके प्रति उसको सोचिए, ठीक है ना। आपके पिताजी ने आपको पाल पोस का इतना बड़ा कर दिया, भाई आप बीएससी करो तो कुछ क्या किया है बेटा, मेरा कमा के मुझे बड़ा करेगा, मतलब कि खवाएगा पियाएगा, मतलब मुझे कमा के देगा, समझ रहे ना, फ्यूचर देखता है। हर एक माँ बाप कहता है कि यार मेरा बच्चा है ये फ्यूचर में कुछ करेगा, तो एक रास्ता उन्होंने किस लिए आपको बड़ा किया, ताकि आप जब वो बुढ़ापे का सहारा, मतलब कहते हैं आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनो, जब आप ही उनको छोड़ के चले जाओगे तो वो कौन किसके सहारे जिएंगे यार, सोचो ना। एक अपने ही बेटे का, एक जवान कह सकते हैं, एक पूरा बच्चा है ठीक है यंग है, और उसको डेथ हो जाए, मतलब अचानक सुसाइड कर ले तो क्या होने वाला है, समझ सकते हैं ना उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी। यार मरना ही है ना तो कुछ करके मरो, समझ रहे हैं ना, मरना ही है ना तो कुछ करके मरो, ये नकल करके तुम नाम करने वाले नहीं हो, समझ रहे ना। तो ऐसा ही करना है तो बॉर्डर पे चले जाओ यार, यूक्रेन के साथ चले जाओ, ठीक है ना, समझ में तो आएगा कम से कम शहीद हुए। अरे ये फालतू वाला मत करो, नकल करने के बाद आप मरोगे तो कैसे काम चलेगा, सुसाइड करोगे, फांसी खाओगे, क्या होता है ये भाई, ऐसा मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप कभी भी कोई भी गलती मत करो। मैं आपको सटीक रास्ता दे रहा हूं, जब मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं यार, 20 क्वेश्चन आप साल भर में ना पढ़ोगे तो यार क्या पढ़ोगे, सोचो ना आप क्या पढ़ोगे, जब 20 क्वेश्चन आप साल भर में नहीं पढ़ोगे, एक वर्ष में आप केवल 20 क्वेश्चन याद नहीं करोगे तो क्या करोगे, मुझे बता दो यार, 20 से 25 क्वेश्चन, बहुत से ज्यादा ज्यादा 25 क्वेश्चन पढ़ लो, 25 दिन में याद हो जाते हैं यार, और वही क्वेश्चन पेपर आने वाला है तो 2 दिन में याद हो जाते हैं 25 क्वेश्चन, और नहीं याद है तो बना बना के कर दो, क्या दिक्कत है आपको करने की, कौन फेल करता है मुझे बताओ, फेल कोई नहीं होता, फेल वही होता है जो कॉपी में नहीं लिखता, लिखो सही लिखो ना, समझ रहे, और फेल करना ही है ना, आपकी किस्मत में फेल लिखा ही है तो फेल हो जाओगे, आपको कोई नहीं बचा सकता आपको पास होने से, समझ रहे ना, कि आप पास ही हो गए, आप संघर्ष कितना भी कर लेना, यदि आपको ठोकर खाना है माना और गिरना है तो गिरना है, वहां कोई नहीं रोक सकता, आपको यह समझ के चलना है कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं कुछ दोबारा से प्रयास करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर डिपेंड रहूंगा, समझ रहे ना। अच्छा नहीं लगता यार ऐसा बात कोई हमसे कहेगा तो, खुद सोचो, हमारी बात मत करो, हमारी अपनी परवाह मत करो, आप अपने पीछे जो खड़े हैं ना उनकी परवाह करो, जो आपके पास्ट है, समझ रहे ना, तो उनको देखो, फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है, उनका फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप पे नहीं है तो उनका क्या होगा, सोचा है कभी सुसाइड करने की, आपको नौकरी लगे ना लगे, पास हो ना हो, सुसाइड करने की नहीं सोचना है, आप कुछ भी करो, किसी को मत बताओ कि मेरे साथ ये हुआ है, आप चुपचाप शांति पूर्वक, चाहे आप कहीं जॉब करो सही है ना, पैसे कमाओ, दोबारा से करो वो चीज, लेकिन प्रयास को उसको छोड़ो मत, हम मान सकते हैं एक सीढ़ी हमने पार की, दूसरे चढ़ रहे थे गिर गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा चढ़ेंगे ही नहीं उस पे, भैया ये तो फिसल रहा है, ऐसा थोड़ी है, दोबारा से प्रयास करो यार,
अब यूफेम मान लीजिए आपका यूफेम लग भी जाता है नकल पकड़ी हुई, तो यूफेम लग भी जाता है तो क्या होगा, एक साल के लिए अगले साल को दोबारा से पेपर दो, क्या दिक्कत है, नेक्स्ट ईयर में दोबारा से पेपर दे दो, क्या जा रहा है बताओ मुझे, एक साल ही तो बर्बाद हो रही है। लेकिन इस जो जो आप जिस लेवल पे आ चुके हैं उसका अनुभव तो हो रहा है आपको कि हमने किस गलती, हमारी गलती थी इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, समझ रहे हैं, अनुभव तो हो रहा है आपको कि गलती हमारी थी। तो यार कभी भी ऐसा नहीं करना, ना सोचना है आप सभी को, आप सभी बोलों से बोल रहा हूँ और आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें बताइए कि आपको ऐसा नहीं करना है, उन्हें दिलासा दीजिए यार हम आपके साथ हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ यार, कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ, पेपर है कर आपके साथ में है। लेकिन प्लीज यार सुसाइड के बारे में मत सोचिए, ये जीवन है ना बहुत अनमोल है, इसको कुछ ऐसे काम में लगा दीजिए कि लोग आप ना चाहो भी आपको याद करें, मतलब ना वो ना भी चाहे तो भी वो आपको याद करें, ऐसे बन जाओ, कुछ ऐसा करो, सबसे अलग करो, सबसे अलग बनो, लोग इस रास्ते से जा रहे हैं ना तो आप इस रास्ते से जाओ, क्योंकि आप इसके पीछे दौड़ोगे ना तो इसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, आप उस रास्ता को चेंज कर दोगे ना तो सबसे अलग होगे और सबसे अलग दिखोगे और सबसे आगे होगे, क्यों, क्योंकि यार एक रास्ता मान लीजिए एक व्यक्ति इस रास्ते से होकर जा रहा है, ये रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, यहां से एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, सब इसी रास्ते चल रहे हैं। अब मान लीजिए आप यहां हैं खड़े हुए, अब इनको सबको पार करना है तो रास्ता तो चेंज करना पड़ेगा, भले ही इसकी दूरी अधिक हो, यहां से ऐसे करके आए, यहां से ऐसे करके, लेकिन हमें संघर्ष करेंगे ज्यादा और रास्ता तेज चलेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे ना, हमें तो पहुंचना तो यही है, लेकिन इतने लोगों को पार ना करके सिंपल अकेले ही पहुंचे, लेकिन भरे डिस्टेंस ज्यादा हो जाए इससे क्या फर्क पड़ता है, संघर्ष कर लेंगे उतना, समझ रहे ना, लेकिन हार नहीं मानेंगे, ठीक है ना, उन भगवान से कह दो कि हम हार नहीं मानेंगे, आपने हमारी किस्मत में जो भी लिखा है लिखो, जो होना है होगा, लेकिन आपने ये भी तो लिखा होगा कि हम सफल होंगे, ऐसा तो नहीं है वैसा तो हम हारोगे ही हारोगे, कभी मतलब क्लियर नहीं होगे, ऐसा तो नहीं हमेशा फेल होगे, ऐसा तो नहीं लिखा ना किस्मत में, ये भी लिखा है पास होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़का था यहाँ शाहजहांपुर का था, ठीक है, MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया देखो, छह बार, चार बार तो फेल हुआ था, वो पहली साल पास हो गया, दूसरी साल पास हुआ, तीसरी बार फेल, फिर फेल, फिर फेल, फिर फेल, चार बार फेल हुआ, फिर उसके बाद पांचवी बार फिर फेल हुआ, फिर छठी बार में यहां देखिए यहां पास हुआ है लास्ट बार, मतलब कि पांच बार वो फेल हुआ था और सात साल में उसने BSc किया है, कितने बेटा, सात वर्ष में BSc किया उसने कंप्लीट। अब तुम समझो उस बंदे ने कितना संघर्ष किया है, लगातार एक दो तीन चार पांच, पांच बार फेल हुआ है, समझ रहे ना, छठी बार में वो पास हुआ है, अब की मुझसे कह रहा भैया मैं पास हो गया, फोन करके मुझसे बोल रहा कि भैया सच में आपने तो बताया क्वेश्चन तो भाई आए थे लेकिन नकल भी चली थी मेरे स्कूल में, लेकिन फिर भी मैं पास हो गया बहुत अच्छे नंबर से, पहले भी नकल चलती थी, हर साल चली थी यहाँ नकल, लेकिन फिर भी फेल हुआ वो, अच्छा लास्ट में भी नकल चल रही, बोले लास्ट ईयर तो है। मैंने उससे कहा, मुझसे बोला कि यार भैया डालू या ना डालू, मुझसे बहुत ज़्यादा कह रहा था, मैंने कहा देखो चिंता ना करो तुम क्लियर करो, डालो फॉर्म डालो और लास्ट अटेंडर दो, हो गया, मान ली थी भगवान ने आपका इसमें लास्ट ईयर में ही लिखा हो तो क्या जरूरी है कि आप पीछे फेल होते आओ अब भी फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा और संघर्ष कर लो। उस बंदे ने संघर्ष किया, पास हो गया, तो मुझे पास फोन कर रहा कि भैया सच में आप वो मैं फॉर्म नहीं डाला था लेकिन आपकी वजह से मैंने डाला, तो वो क्लियर भी हो गया, लेकिन सात साल में उसने BSc कंप्लीट कर ली। आपको हार नहीं माननी है, आप नकल करते हुए पकड़े हो कोई बात नहीं है, दोबारा से प्रयास करिए, लेकिन बाकी मैंने उसको दिलासा दिया है कि मैं उसकी मदद करूँगा, मैं बात की है मैंने यूनिवर्सिटी में उनके थ्रू, यदि उसका क्लियर हो जाता है तो बढ़िया है और नहीं होता है तो उसे दोबारा से फॉर्म फिल करा देंगे, ठीक है, लेकिन उसको यार सब गलत नहीं होने देंगे, ओके। बाकी मिलते हैं, कोई दयाशंकर नाम से था, दयाशंकर ऐसे कुछ नाम था उसको बताने का, चलो ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए, आप भी सोच सकते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।